हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का क्वेश्चन करेंगे। टर्म 2 सैंपल पेपर जो बेसिक का है, मैथ का। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, 3x² - 7x - 6 = 0 है। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या करते हैं, ये दोनों को पहले इससे और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 33x² - 6x² 18x² आ गया। इसको सेम टू सेम इस तरह लिख देते हैं। अब इस बीच वाला को इस तरह तोड़ना होता है कि जोड़ने के बाद 7x आए, मल्टीप्लाई करने के बाद 18x² आए। तो ये कैसे होगा, हाँ यहाँ लिखेंगे -9x + 2x। अब देखिए यहाँ पे -9x + 2x, तो 7x जोड़ने के बाद आ गया -7x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 9 2 18x² -6। अब ये वही लिखा जाएगा। अब इसमें से 3x कॉमन लेंगे, जो जो कॉमन रहेगा ये दोनों में कॉमन ले लेंगे, बचेगा x - 3 + 2x - 3। अब देखिए यहाँ जितना आएगा कॉमन लेने के बाद, यहाँ भी उतना ही आएगा। तो 3x प्लस ये वाला 2 यहाँ लिख देंगे, और ये दोनों एक जैसा है, तो x - 3 ये आ गया 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको, 3x + 2 = 0, 3x = -2x = -2/3, और एक आएगा x - 3 = 0x = 3। तो ये माइनस में है, इससे अच्छा पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे। अच्छा सॉरी, 0 से पूछ रहा था, तो ये 2 को 0 आ जाएगा, -2/3 और 1 3 आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।